हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये और चैनल बेस्ड स्टॉक है। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्टॉक एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है जैसे बाकी स्टॉक्स कर रहे हैं। और चैनल वाले स्टॉक्स मैंने हमेशा कहा स्लो मोमेंटम रहता है बट सेफ स्टॉक रहते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टॉक ज़रूर होते हैं ये वाले। तो फिलहाल स्टॉक को आप देख लेंगे तो यहाँ कहीं स्टॉक के नतीजे आए थे, इस लेवल के आसपास आपको फॉल देखने को मिला था। यहीं से यहाँ तक गया स्टॉक नीचे, फिर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया, स्टॉक ने फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। क्योंकि ब्रेकआउट इसलिए यहाँ पर काफ़ी दिन से स्टॉक आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन कर रहा था और ये एक जोन था स्टॉक का, इसी जोन में स्टॉक ट्रेल कर रहा था। तो ये जोन जैसे ही ब्रेक हुआ अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के साथ स्टॉक निकल गया। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्टॉक ऑलमोस्ट दो जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। यहाँ सेलर्स बहुत एक्टिव हैं, इस पॉइंट पे सेलर्स बहुत एक्टिव हैं और यहाँ जैसे ही स्टॉक जाता हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कल भी यही हुआ, रिवर्सल आ गया ऊपर से और आज के सेशन में तो काफ़ी रिवर्सल देखने को मिला है। और ये वो सेक्शन है जहाँ पर बायर्स बहुत एक्टिव हैं, तो आपको इसी के बीच में ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगाने अपने और स्टॉप लॉसेस भी आपको यहीं लगाने हैं। ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गए। फिलहाल स्टॉक इसी के बीच कंसोलिडेट करने वाला है कुछ समय के लिए, तो उसी के हिसाब से आप अपने पोजीशंस रख सकते हैं। क्योंकि जब ये लेवल सस्टेन करके इधर कहीं जब एक बुलिश कैंडल बनेगी और वो सस्टेन हो जाएगी तब आपको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। वैसे ये हर्डल ज़रूर रहेगा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि यही एक हर्डल है जो पहले बहुत पुराने पीछे तरह से चली आ रही है और ऊपर से काफ़ी पुरानी ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ एक हर्डल ज़रूर मिलेगा। तो बाइंग जो ऊपर की होगी वो इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने के बाद होगी। फिलहाल बाइंग नहीं सजेस्ट करूँगा। फर्दर अगर बाइंग यहाँ होनी है तो यहाँ अगर आप करना चाहते हैं तो ये इस लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1-2-3 हिट्स यहाँ पे हो चुके हैं और तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे अगर आप आर्ली टीएफ पे देखेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर आ रहेगा समझ में कि आर्ली टीएफ पे यहाँ पे काफ़ी कुछ सपोर्ट देखने को मिल रहे होंगे। आप नोटिस करेंगे यही पूरा जोन है इनका सपोर्ट का, तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट है और इसी रेंज में स्टॉक चल रहा है अभी। तो ऐसे आप स्टॉक में अगर बाय कर सकते हैं और करना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए तो ये लेवल आपका रहेगा फॉर एग्रेसिव ट्रेडिंग। अदरवाइज़ कोई बाइंग सजेशन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक आज फॉल हुआ है MCLR कंपनी का बढ़ा दिया गया, इसीलिए स्टॉक में ये फॉल देखने को मिला है। और वो इसीलिए हो गया कंपनी के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। एक नज़र नतीजों पर डाल लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि रेवेन्यू इनका बढ़ा है 5,400 करोड़ के अराउंड रहा है, बट इंटरेस्ट भी उसके साथ बढ़ गया 3,000 के 3,100 के अराउंड ये रहा। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो रहा वो कंसिस्टेंटली माइनस में चला गया। क्यों? कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाएगा और एक्सपेंसेस फिर भी ये रहा कि एक्सपेंसेस कम है, इसी वजह से ये थोड़ा बेहतर मेंटेन रहा है, कहीं ना कहीं बैलेंस्ड बना रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 507 crore का निकल के आया और नेट प्रॉफिट 500 का आया, बट लास्ट टाइम से आप देखोगे तो ये कम है और इवन लास्ट के 3 quarters से ये कम है, इसी वजह से स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा है। और आज जो MCLR बढ़ाया गया वो भी इसी फॉल के वजह से ही बढ़ाया गया। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। तो इस स्टॉक में ऐसे ही चलने वाला है आने वाले टाइम के लिए, बस आपको ये दो ट्रेंड लाइंस को मोमेंटम पकड़ के रखना है, ये रेजिस्टेंस का और नीचे वाला सपोर्ट का, इसी के हिसाब से ये स्टॉक चलेगा। फर्दर ये ड्रॉप होता है तो स्टॉक यहाँ तक आ सकता है इजीली, 27 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी के हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेस और पोजीशंस बना के रखिए। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।